अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फॉरेस्ट बाजार। आज जो हम प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं, एचपी के हमारे पास जी बुक आई हुई है। सबसे पहले इसका हम मॉडल नंबर देखते हैं, इसके स्पेक्स देखते हैं, इसकी लुकिंग देखते हैं, किस लिए यूज हो रही है। तो इसका जो सब मॉडल नंबर है, एचपी जी बुक 15G3 इसका मॉडल नंबर आता है। और अगर इस ग्राफिक कार्ड में आती है, बेसिकली ये बात करते हैं कि इसके स्पेक्स वगैरह की स्पेक्स क्या है, लुकिंग वाइज कैसा है, किस लिए यूज हो रहा है, इसकी प्राइसिंग क्या है, बैटरी टाइमिंग क्या है, इस पर एक हम क्विक रिव्यू देते हैं। सबसे पहले हम इसके स्पेक्स चेक करते हैं, ये कौन से स्पेक्स में आया, इसकी जनरेशन क्या। तो मैंने टास्क मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। मैं ये सबसे पहले इसके सीपीयू पे चला गया। मैं i7 6th जनरेशन में ये लैपटॉप आता है, एसक्यू प्रोसेसर के साथ। 6700 एसक्यू प्रोसेसर है इसका। 2.60 GHz इसके प्रोसेसर की स्पीड है। अगर बेस स्पीड की बात करें तो 2.59 GHz इसकी बेस स्पीड है। 4 कोर प्रोसेसर में आता है, 8 लॉजिकल प्रोसेसर में आता है। 6 MB का इसमें कैशे दिया गया है। अच्छा, एक होता है एच क्यू प्रोसेसर, एक यू प्रोसेसर होता है। एच क्यू प्रोसेसर एज़ कम्पेयर टू यू प्रोसेसर बेटर होता है। मैंने पहले भी एक लैपटॉप का रिव्यू किया हुआ है डेल का, तो उसमें मैंने एच क्यू प्रोसेसर के एक डिटेल्स दी हुई हैं। अगर रैम की बात करें तो इसमें 8 GB की रैम आती है। जो रैम की स्पीड है वो 2133 MHz इसकी रैम की स्पीड आती है। जो इसमें SSD हार्ड लगी हुई है, 256 GB की इसमें SSD हार्ड लगी हुई है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ आता है। 2 GB का इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, AMD का फायरप्रो W5170M इसका ग्राफिक कार्ड का मॉडल नंबर है। ये गेमिंग के लिए तो ज़बरदस्त नहीं है ग्राफिक कार्ड, बाकी लो लेवल की गेमें ईजिली इसमें हो जाती हैं, और ग्राफिक कार्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ये थोड़ा बेटर है। अगर इसके लुक की बात करें तो 15.6 इंचज़ में ये हमें देखने को मिल जाती है इसका स्क्रीन साइज़, जो एक बेटर स्क्रीन रेजोल्यूशन हमें देता है। अगर इसके कीबोर्ड क्वालिटी की बात करें तो बैकलेट कीबोर्ड में आता है, नम पैड के साथ आता है, ट्रैक पैड का ऑप्शन दिया गया और 6 बटन हैं, 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं। यहाँ हमें ऑन ऑफ का इसका बटन देखने को मिल जाता है। स्पीकर का ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें ये इंटरनेट का ऑप्शन दिया गया, यानी एरोप्लेन मोड हम इस पर ईजिली कर सकते हैं। ये बटन प्रेस करेंगे तो वाईफाई डिसकनेक्ट हो जाएगा। और ये हमें इसके वॉल्यूम का बटन दिया गया है। यहाँ हमें इसे फिंगरप्रिंट देखने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ स्टिकर इन्हें दिया गया हुआ है और यहाँ जी बुक की ब्रांडिंग दी गई है। अगर इसके कैमरे की बात करें तो 720 पिक्सल इसका कैमरा दिया गया है। अगर राइट साइड से देखते हैं तो हमें चार्जिंग पोर्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 2 टाइप C केबल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, HDMI केबल है, USB 2 केबल देखने को मिल जाती है और ऑक्स केबल देखने को मिल जाती है, जो कॉम्बो होती है कि आप माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हैं और स्पीकर के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड से देखें तो इसमें हमें लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इंटरनेट पोर्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, VGA केबल इसमें दी गई है, USB पोर्ट है, SD कार्ड ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो फ्रंट से है ये मेटल बॉडी में है, और बैक साइड से अगर देखा जाए तो ये रबड़ में आती है। बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या और बैटरी टाइमिंग क्या। बैटरी टाइमिंग अगेन, जो हम मल्टीमीडिया पे इस्तेमाल करते हैं तो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है बेसिकली, तो इसकी बैटरी टाइमिंग एज़ कम्पेयर टू दूसरे लैपटॉप के साथ जो ग्राफिक कार्ड नहीं है उसकी निस्बत कम होती है। इसमें जो बैटरी टाइमिंग हमने और मल्टीमीडिया इस्तेमाल किया है, 3.5 आवर ईजिली ये हमें दे रहा है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये मार्केट में आपको ईजिली 70,000-75,000 ईजिली आपको ये मिल जाएगा। अगर यूज़ की बात करें तो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है इसमें, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए एक अच्छी मशीन है। वीडियो एडिटिंग इसमें इजीली हो सकता है क्योंकि 15.6 इंचज़ आता है, तो वीडियो एडिट करने में आसानी होती है। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करके बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट पर हमें आप टेक्स्ट करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।